है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप है। देखिए, इससे पहले हम लोग लेक्चर देख चुके हैं आठ, ठीक है, पॉलिटी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्री में बन सकते हैं, इवन मेंस में भी बन सकते हैं, वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो आठ लेक्चर हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लीज जाके आप लोग उस वीडियो को देखें, फ्री है। और मैं, अगर आप लोग लाइक कमेंट करते रहेंगे तो ऐसे ऐसे कंटेंट में, अच्छे कंटेंट में मैं बहुत सारे वीडियो लेके आऊंगा। आज हम जो देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 9 पे, लेक्चर नंबर 9 में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे वर्बली, जहाँ पे क्वेश्चन डाउट के होते हैं या हमारे अक्सर क्या होते हैं, पॉलिटी के इजी क्वेश्चन होते हुए गलत हो जाते हैं, तो वो गलत ना हो वो फाइंड आउट करेंगे। और दूसरी बात है, एक शक्ति का पृथक्करण, जो शक्ति का पृथक्करण है, पृथक्करण सिद्धांत, उसको हम लोग समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। शक्ति के पृथक्करण में मेंस में भी है और प्री के भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो जब तक ये टॉपिक नहीं समझेंगे तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे, तो इस टॉपिक को समझेंगे डिटेल में। ठीक है, तो आते हैं। भारत के संविधान में संशोधन की बात किया गया है कि संविधान संशोधन कैसा होता है भारत में। ठीक है, तो देखो, संविधान संशोधन की बात कौन से पार्ट में किया गया है, प्री का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना, संविधान के संशोधन में भाग 20 में दिया गया है, भाग 20 में। तो कौन सा आर्टिकल है संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ, तो आर्टिकल 368 है। ठीक है, कितने प्रकार से भारत में संविधान संशोधन किया जा सकता है, तो ध्यान रखना, तीन प्रकार से भारत में संविधान संशोधन किया जा सकता है। एक है कि साधारण बहुमत से करें, किससे, साधारण बहुमत से। दूसरा क्या है कि विशेष बहुमत से किया जाए। और तीसरा क्या है संविधान संशोधन में, तो तीसरा है ये कि विशेष बहुमत हो, विशेष बहुमत हो और साथ ही साथ कम से कम आधे 50% राज्यों का क्या हो, समर्थन हो। तो ये तीन है, क्या है, तीन संविधान संशोधन के प्रक्रिया है। ठीक है, संशोधन की, तो देखो, पहला बताया साधारण बहुमत से संशोधन किया जाता है, एक विशेष, दूसरा बताया विशेष बहुमत से, और तीसरा बताया विशेष बहुमत प्लस 50% राज्यों का। अब यहाँ से पूछा जाता है कि उदाहरण दे देगा कोई भी कि ये कैसे, किस बहुमत से संविधान संशोधन किया जाएगा अगर इस विषय पर करना हो, तो सबसे ज्यादा तीसरे वाले पे पूछा जाता है। अगर मान लो राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया में संशोधन करना है, तो संशोधन करने के लिए हमें 368 का सहारा लेना पड़ेगा। और 368 में भी कौन सा संविधान संशोधन होगा, तो विशेष बहुमत, विशेष बहुमत और प्लस 50% राज्यों का समर्थन चाहिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर संशोधन करना है। अगर केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति के वितरण में बदलाव करना है, और इन शक्ति का वितरण किसमें दिया गया, तो सातवीं अनुसूची में दिया गया, सातवीं अनुसूची में अगर इसमें चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा, विशेष बहुमत और प्लस 50% का सहारा लेना पड़ेगा। अगर उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी करना है तो हमें विशेष बहुमत प्लस 50% राज्यों का समर्थन होगा। और खुद ब खुद आर्टिकल 368 में अगर संशोधन करना है तो यही बहुमत होना चाहिए, विशेष बहुमत प्लस 50% राज्यों का समर्थन। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, जो आर्टिकल हम लोग पढ़े थे इससे पहले, आर्टिकल 2 और 3, ये इसमें इसको 368 के तहत नहीं रखा जाता है। और 2 में क्या है, तो किसी विदेशी सीमा को शामिल करना है। 3 में क्या है, किसी राज्य, नए राज्य का निर्माण करना, नए राज्य के सीमा में परिवर्तन करना, नाम में परिवर्तन करना, क्षेत्र में परिवर्तन करना, 3 में है, लेकिन ये 368 के तहत नहीं आते हैं। और ये संशोधन क्या, 368 के तहत नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, अब आ जाओ संविधान संशोधन की प्रक्रिया की विशेषताएं क्या है। तो देखो, प्रक्रिया की विशेषता यही है कि केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती केस में क्या आया था, बेसिक स्ट्रक्चर आया था। बेसिक स्ट्रक्चर बोले तो मूल ढांचा आया था, मूल ढांचा का सिद्धांत आया था। और मूल ढांचा के सिद्धांत को कब आया था, 1973 में आया था। ठीक है, ध्यान रखना प्री के लिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचा को छोड़ के संविधान संशोधन कर सकता है कौन, संसद कर सकता है, संसद कर सकता है बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के, तो ये प्रक्रिया में होना चाहिए। ठीक है ना, दूसरी बात है कि भारत स्विट्जरलैंड जैसे जनमत संग्रह कराया जाता है। जनमत संग्रह होता क्या है इसे समझ लो, जनमत संग्रह में ऐसा होता है कि सारे लोग अपना मत देते हैं कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सारे लोग, और जिसके पक्ष में गिरेगा वो होगा। अगर मान लो कहते हैं कि होना चाहिए कोई प्रावधान, तो वो बन जाएगा।
लेकिन भारत जैसे विशाल जनसंख्या में मत तो कराते ही रह जाएंगे। तो फिर हम लोग क्या चुने थे कि अपना जनता कुछ एरिया डिसाइड कर दिया कि वहां के जनता अपना एक प्रतिनिधि चुन के भेजेगा, प्रतिनिधि चुन के भेजेगा। राष्ट्र के स्तर पे एमपी पे एमपी को चुनेगा और राज्य के स्तर पे एमएलए को चुनेगा, अपना प्रतिनिधि चुन के भेजेगा जो इन जनता के हित का ख्याल रखेगा। ठीक है, तो संविधान संशोधन प्रक्रिया की विशेषता मेंस में है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है कि चेंज कर सकता है संसद संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकता। लेकिन कौन सा केस में बोला गया था ये, तो केशवानंद भारती केस में बोला गया था 1973 में। ठीक है ना, मूल ढांचे के सिद्धांत क्या है? मूल ढांचे का सिद्धांत का मतलब है, जैसे मूल ढांचा के मतलब कि अगर आपकी शरीर की लंबाई इतनी अच्छी है, अगर मैं हड्डी निकाल लूं आपके शरीर से, हड्डी निकाल दूं आपके शरीर से, तो सोचो कि शरीर का स्वरूप कैसा चेंज हो जाएगा, क्या वो ढांचा आपका रह जाएगा, क्या आपका वो महत्व रह जाएगा जो हड्डी के साथ था। वैसे ही संविधान में कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, अगर उस महत्वपूर्ण प्रावधान को हटा लिया जाए या निकाल दिया जाए, तो फिर उस संविधान के कोई मतलब नहीं होता है। वो मेन एसेंस है, मूल तत्व है, उसके बिना संविधान का कोई औचित्य नहीं है, मेन संविधान का दर्शन है वो, उसके बिना संविधान का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो मूल ढांचा का मतलब है कि जो संविधान के अस्तित्व के लिए अपरिहार्य है या अनिवार्य है, उन्हीं को मूल ढांचा बोला जाता है। और मूल ढांचा का कंसेप्ट हमने बताया कि केशवानंद भारती केस में दिया गया, और मूल ढांचा का सिद्धांत में अभी तक 19 विषय शामिल कर दिए गए हैं, 19 विषय मूल ढांचा के रूप में घोषित कर दिया। जैसे संविधान की सर्वोच्चता क्या है, मूल ढांचा है, तो संसद चाहे कि ये हटा दे कि संविधान की सर्वोच्चता नहीं रहेगी, संसद की सर्वोच्चता रहेगी, नहीं हटा सकता। कानून का शासन क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, चाहे संशोधन करके हटाना, नहीं हटा सकता। ठीक है, अंत निरपेक्ष क्या है, ये हमारा सेकुलर मूल ढांचा है। संघात्मक व्यवस्था हमारा क्या है, मूल ढांचा है कि सातवीं अनुसूची के अनुसार तीन बंटवारे किए गए हैं, एक सेंटर, एक स्टेट और एक समवर्ती सूची, कंकरेंट। ठीक है, और न्यायिक पुनरावलोकन भी क्या है, मूल ढांचा घोषित कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि संसद क्या कर दे, पारित कर दे, कहे कि नहीं आपसे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती है। संसदीय व्यवस्था भी क्या है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर खुद में एक मूल ढांचा है, चाहे संसद इसको बदलना तो नहीं बदल सकती। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो ये ध्यान रखना। और न्यायिक पुनरावलोकन की बेसिक स्ट्रक्चर पूछा जाता है कौन से वाद में किया गया, तो ये ध्यान रखना मिनर्वा मिल्स जो 1980 में आया था, वाद आया था, उसमें न्यायिक पुनरावलोकन को बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया था, और बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया था, खुद में बेसिक स्ट्रक्चर को घोषित कौन किया था, मिनर्वा मिल ने किया था। ठीक, अब आ जाते हैं जो टॉपिक बोले थे। टॉपिक था कि शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर क्या है। तो देखो, हमारे पास शक्ति का स्वरूप कितना पाया जाता है, शक्ति तीन स्वरूप में पाया जाता है, और वो तीन स्वरूप क्या है कि एक विधायी शक्ति होता है, विधायी शक्ति का मतलब कानून बनाना, दूसरा शक्ति है प्रशासनिक शक्ति, प्रशासनिक शक्ति का मतलब कि प्रशासन से जुड़ा हुआ काम करना या नौकरशाही, जो आईएएस और जो आप बन जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे एसडीएम वगैरह, तो वो ठीक है नौकरशाही। और तीसरा क्या है, न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति। ठीक है ना, तो न्यायिक शक्ति में क्या है, न्याय दिलाना काम है। ठीक है, यही तीन शक्ति है, और इन शक्तियों में अगर क्या हो जाए, सेपरेशन हो जाए, एक दूसरे से जुड़े ना हो। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे अच्छे से समझते हैं कि विधायिका, विधायिका कौन है, विधायिका हमारा संसद है, क्या है, संसद है। अगर राज्य स्तर पे ले ले तो विधानमंडल है। ठीक है, तो संसद और विधानमंडल का काम क्या है, कानून बनाना। ठीक है, प्रशासनिक या इसी को बोलते हैं कार्यपालिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका का काम क्या है,
कि नीतियां निर्माण करना, नीतियां निर्माण करना, प्रोग्राम बनाना, कार्यक्रम बनाना और उसका क्रियान्वयन करवाना, इम्प्लीमेंटेशन कराना, इम्प्लीमेंट करना, प्रशासनिक का काम। न्यायपालिका का काम क्या है? तो न्यायपालिका का काम है न्याय दिलाना। ठीक है, अब इन तीनों क्या हो जाए, अलग अलग काम करें, कोई दूसरा एक दूसरे से हस्तक्षेप ना करे, वो होता है सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं यूएस का, बहुत अच्छा एग्जांपल है यूएस का। यूएस में ऐसा है, कांग्रेस है, कांग्रेस है वो कार्य करता है किसका, विधायिका का, और प्रेसिडेंट जो है वो, या प्रेसिडेंट प्लस मंत्री परिषद, ये काम करता है कैसे, कार्यपालिका या प्रशासनिक की तरह, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट है वो काम करता है न्यायपालिका की तरह। कहने का मतलब है कि अगर कांग्रेस को भंग करना है, या वहां का संसद समझो, ठीक है, सांसद को भंग करना है, तो प्रेसिडेंट भंग नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट भंग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वो कार्यपालिका है और विधायिका में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। समझ रहे हो? ठीक है, कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकता, कांग्रेस वहां का संसद ऐसा नहीं करता कि जो मंत्री परिषद है, जो कार्यपालिका है मंत्री परिषद, उनको अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा दे। अविश्वास प्रस्ताव हमने पहले बताया, ठीक। और सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? न्याय दिलाना। तो ऐसा है कि कांग्रेस क्या करे कि कोई विधेयक बना दे, और वो विधेयक क्या हो, कानून सम्मत ना हो, तो वो विधेयक को क्या कर देगा, रद्द कर देगा, रद्द कर देगा, लेकिन हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हस्तक्षेप नहीं कर सकता मतलब अलग कैसे है? कहने का मतलब कि कांग्रेस के जो सदस्य हैं, जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं, वो कभी हाई सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त नहीं हो सकते, ठीक है, जज नियुक्त नहीं हो सकते। और वैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जज जब तक पद पे है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो देखो यहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका में तीनों में सेपरेशन पाया जा रहा है। ये यूएस का एग्जांपल है। अब जरा भारत का लेते हैं। भारत में है क्या, बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर का बात करें तो भारत में अंतर है, वहां पे तीनों अलग अलग हैं। भारत में क्या है, सिर्फ न्यायपालिका के संदर्भ में सेपरेशन ऑफ पावर है। क्यों ऐसा साहब? ऐसा है कि संसद है, ठीक है, और संसद के ही कुछ 15% लोग क्या बनाते हैं, मंत्री परिषद बनाते हैं 15% लोग, इसमें पीएम भी इंक्लूड होता है, और हमने बता रखा कि 51वां संविधान संशोधन में ये निश्चित किया गया था कि मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, ठीक। और संसद के अंतर्गत प्रेसिडेंट भी आता है, बताया था आर्टिकल 79 का मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट और लोकसभा और राज्यसभा, और 79 क्या बताता है संसद के बारे में, तो संसद तीन अंगों से बना है, तो प्रेसिडेंट आता है, और इन दोनों को क्या बोलते हैं, कार्यपालिका बोलते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को मंत्री परिषद को संसद माइनस मंत्री परिषद कर दे, तो हमारा बचेगा क्या, जो बचेगा वो हम सांसद बोलेंगे, सीधे सांसद, ठीक है, सांसद होंगे जो कि विधायिका में काम करेंगे, तो विधायिका के निर्माण में विधायिका जैसे काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि विधायिका में यही केवल काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि केवल जो मंत्री परिषद, बल्कि मंत्री प्लस ओवरऑल सांसद जो होंगे, सांसद में क्या होगा, मंत्री परिषद होगा, ओवरऑल विधायिका भी काम करेंगे। तो कहने का मतलब है कि हम ये कहें कि विधायिका में, भारत में विधायिका का मतलब ये है कि इसमें सांसद आएंगे, मतलब इसमें कार्यपालिका भी जुड़ जाता है। तो देखो यहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका जुड़े हुए हैं,
तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर की बात ही नहीं आएगी कि दोनों अलग हो, यहाँ पे सामंजस्य पाया जाता है, सामंजस्य होता है, यहाँ पे समन्वय पाया जाता है। कहाँ पे? भारत में। किसमें? कार्यपालिका और विधायिका में। हाँ, न्यायपालिका जरूर अलग अलग है, न्यायपालिका क्या है, अलग है। तो भारत में जो सेपरेशन ऑफ पावर है न्यायपालिका के संदर्भ में, कैसे कि सांसद, अब सांसद बोल सकते हैं ना, सांसद में मतलब विधायिका प्लस कार्यपालिका, सांसद का मतलब विधायिका और प्लस कार्यपालिका, दोनों होगा, ठीक है। तो कोई सांसद जज नहीं बन सकता, कोई सांसद जज नहीं बन सकता, और कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज जज वो चुनाव नहीं लड़ सकता, जब तक पद पे है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो यहाँ पे सेपरेशन है, ठीक है। तो भारत की प्रवृत्ति कैसी है सेपरेशन की, यूएस की प्रवृत्ति कैसी है सेपरेशन की, वो बताए। अब जरा सा ऐतिहासिक आधार देख लेते हैं, इसको पहले ही हमें बता देना चाहिए, लेकिन हम सेपरेशन ऑफ पावर को समझा रहे थे। ऐतिहासिक आधार में देखें तो सबसे पहले जब मेंस में लिखोगे तो इंट्रो में जरूर होना चाहिए कि सबसे पहले शक्ति का पृथक्करण का अवधारणा या सिद्धांत कहाँ, कौन दिया था, तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था 1748 में। कौन सी पुस्तक थी? स्प्रिट द लॉज। स्प्रिट द लॉज में उन्होंने सबसे पहले शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। और अमेरिका, अमेरिका पहला ऐसा देश बना था जो शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया था, ठीक। और जॉन लॉक ने भी एक किताब लिखी थी शक्ति के पृथक्करण पे। तो ये ऐतिहासिक आधार था कि चलता आया, ठीक है ना। अब देखो अमेरिका में शक्ति का पृथक्करण कैसा होता है ये हमने बता दिया, ठीक है। और हमने ये भारत के पृथक्करण में और में क्या होता है वो भी बता दिया, और दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में अंतर हमने बोला कि वहां पे क्लियर कट डिवीजन है, किसमें? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। लेकिन भारत में क्या है, ये दो चीजें मर्ज हो गई हैं, ये दो चीज मर्ज हो गई हैं और ये अलग है, ठीक है। और एग्जाम्पल के साथ हम बता सकते हैं इसको जब भी लिखना हो। तो हमने साधारण लैंग्वेज में आपको समझाया इस चीज को कि क्या होता है। तो देखो हमने ये मेंस को पढ़ाने के लिए शक्ति का पृथक्करण मुख्यतः न्यायपालिका के संदर्भ में पाया जाता है, ये हमने बता दिया है, ठीक है। और क्यों पाया जाता है ये भी बता दिया। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ उठता है कि सेपरेशन ऑफ पावर और डिवीजन ऑफ पावर में डिफरेंस क्या है, दोनों लगता है कि एक ही जैसा है ना साहब? बिल्कुल नहीं। सेपरेशन ऑफ पावर में मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्ति बंटवारा होता है, जबकि डिवीजन ऑफ पावर में केंद्र, केंद्र और प्रांत के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है। जैसे एग्जाम्पल में भारत की 7वीं अनुसूची ले लें, ठीक है, भारत की 7वीं अनुसूची ले लें, ठीक। और अंतर देखें तो शक्ति के पृथक्करण में जो प्रेसिडेंशियल लोकतंत्र होता है या अध्यक्षात्मक लोकतंत्र होता है उसकी विशेषता होती है शक्ति का पृथक्करण, और शक्ति का विभाजन किसका विशेषता होता है? संघवाद का, ठीक है। और शक्ति का पृथक्करण हमेशा क्षैतिज विभाजन होता है, क्षैतिज का मतलब कि विधायिका है ये कार्यपालिका है, ये न्यायपालिका है। लेकिन शक्ति का विभाजन जो होता है वो वर्टिकली होता है, वर्टिकली का मतलब ये केंद्र है तो उसके नीचे क्या है, स्टेट है, ठीक है। तो ये हमारा मूलभूत अंतर था जो हमने शक्ति सेपरेशन ऑफ पावर और डिवीजन ऑफ पावर में देखा, ठीक है। और शक्ति का पृथक्करण क्या होता है इसको समझा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर इसको और डिटेल में है। देखो मेंस के जो क्लासेस चल रहे हैं वो आप इंक्वायरी कर सकते हैं 9044636324 पे, या 9919002764 पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों पे कॉल करके आप उसके में, आप अपना सेल्फ स्टडी चाह रहे हैं तो आप मटेरियल मंगा के पढ़िए बिंदास टू द पॉइंट, जैसे हमने यहाँ बताया है। आपको चाहिए कि कैसे है मटेरियल में, तो आप इसमें अभी पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, फिर IR पढ़ाएंगे, सेकेंड पेपर खत्म करेंगे, तो आप धीरे धीरे देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कैसा कंटेंट। मैं अपने मुंह से नहीं व्यक्त करूंगा कि बहुत अच्छा है बहुत खराब है, आप लोग खुद ब खुद देख के अगर सीरियस एस्पायरेंट है तो समझ जाएंगे, ठीक है ना। और केवल वीडियो क्लास लेंगे कि समझने में परेशानी है तो वीडियो क्लास भी आप लेके इस नंबर पे कॉल करके लेके समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।